शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका। मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन और हिंसा के मुद्दे पर बनी द कश्मीर फाइल्स इस समय देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के तमाम राज्य अब तक इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज कर दी गई है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। जगह जगह पर लोग परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म को थिएटर में जाकर देखने जा रहे हैं। हाल में ही पीएम मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद एक अन्य राज्य ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर जमकर लोग विवेक अग्निहोत्री की बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है और 1990 में पंडितों के उसे हुई हिंसा को दिखाया गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में है। पल्लवी जोशी ने भी फिल्म में भूमिका निभाई है। इसकी कहानी ऑडियंस का दिल छू रही है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक कई राज्यों ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स मुक्त कर दिया है। द कश्मीर फाइल्स को कर्नाटक सरकार ने भी टैक्स फ्री कर दिया है। इससे पहले हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सोमवार को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म में न ही कोई मेनस्ट्रीम बॉलीवुड स्टार है और न ही इसका बजट बहुत बड़ा है। इसके बावजूद इसने साउथ स्टार प्रभास की राधे श्याम को टक्कर दे दी है। यही नहीं, घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कई लोग थिएटर से बाहर निकलने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। इन सबके बीच विवेक की वाइफ और प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनके और विवेक के खिलाफ कश्मीर में फतवा जारी किया गया था। घाटी में उनकी शूटिंग का आखिरी दिन था और उन्होंने ये बात कास्ट एंड क्रू से छिपाई थी। हालांकि अनुपम खेर की इस फिल्म को लेकर काफी हंगामा भी हो रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बॉलीवुड का स्पॉट नहीं मिल रहा है। बहुत से सितारे बॉलीवुड के इस रवैये से खफा हो गए हैं। इन सितारों में एक नाम मुकेश खन्ना का भी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मुकेश खन्ना का गुस्सा बॉलीवुड पर भड़क गया है। मीडिया से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड की जमकर लताड़ लगा दी है। इतना ही नहीं, मुकेश खन्ना ने तो ये तक दावा कर दिया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को स्पॉट ना करने वाले लोग भारतीय नहीं हो सकते। मुकेश खन्ना ने जमाने के सामने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है।